तो आज हम बनाएंगे क्रिस्पी पकोड़े कच्चे आलू और साबूदाने से। तो चलिए इसकी रेसिपी हम देख लेते हैं क्या क्या चाहिए हमको इसके लिए। तो हमने लिया है ये सूजी 1/2 बाउल और साबूदाने और कच्चे आलू, इसे मैं कट करके इसे ग्राइंडर जार में ग्राइंड कर लूँगी। और साबूदाने को 2 मिनट के लिए मैं रोस्ट कर लूँगी ताकि इसका मॉइस्चर है जो ख़त्म हो जाए और अच्छी तरीके से ग्राइंड हो जाए। मैं कच्चा ही ग्राइंड करूँगी इसे। तो चलिए इसे ग्राइंड कर लेते हैं मिक्सी जार में। तो बारीक अभी हुआ नहीं है और करेंगे बारीक, इसे बिल्कुल फाइन पाउडर बनाना है। और कच्चे आलुओं को हम पीस लेंगे। इसे भी अच्छा सा पेस्ट बनाना है। अब इसमें हम डाल देंगे सूजी, इसको भी एक बार घुमा देंगे आलू के साथ। तो अब हम डाल देंगे साबूदाना के में ये पिसे हुए आलू और सूजी का पेस्ट। अब इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से हाथों की मदद से। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें मिलाकर। इसे हम रेस्ट के लिए रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, ताकि जो साबूदाना है तो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। इसमें डाल दिया है हमने ब्लैक पेपर पाउडर, काली मिर्च। अब इसमें डाल देंगे हम हरी धनिया बारीक कटी हुई। अब इसमें हम डाल देंगे अदरक हरी मिर्च का पेस्ट 2 चम्मच, पूरा ही डाल देंगे हम। इसमें डालेंगे हम चाट मसाला, जीरा डाल देंगे 1 चम्मच और चाट मसाला डाल देंगे, नमक डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग, आप जितना खाते हैं जैसे हिसाब से डालें। और इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से। और अगर सख्त हो रहा है तो थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्स करें, सॉफ्ट डो चाहिए इसका, बहुत सख्त हो रहा है तो इसमें हम पानी डालेंगे और मिक्स करेंगे इसे। तो देखिए हमने पानी डाल लिया है तो अच्छे से बन गया। अब इसे मैं रख दूँगी 10 से 15 मिनट के लिए। तो 10 से 15 मिनट हो चुके हैं, तो अब मैं इसे फ्राई करूँगी। एक फ्राई पैन रखूँगी या कढ़ाई रखूँगी मैं, इसमें फ्राई कर लेंगे हम छोटे छोटे बॉल्स। हाथ में पानी लगा लें पहले, छोटे छोटे बॉल्स बनाकर डाल दें। इसी तरह से सारे डाल देंगे हम और इसे ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। एक तरफ ब्राउन हो चुका है, हमने पलट दिया है। कच्चे आलू और तो लीजिए मेरे क्रिस्पी पकोड़े बन चुके हैं। तो अब आप भी बनाएं। तो आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।